एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? जो लिखा हुआ है अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर में आएगा, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर, आप याद करके जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल ये देखें, एब्जॉर्प्टिव पावर को स्मॉल ए या एल्फा, जिससे मर्जी रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, वही सेम स्मॉल ए, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, स्मॉल ए याद रहेगा। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। पहली डेफिनेशन क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर की डेफिनेशन अलग है एब्जॉर्प्टिव से। एमिसिव पावर है कोई भी बॉडी का जब टेम्परेचर टी है, तो हमने ये देखा कि वो बॉडी अपने अंदर से हीट को तो एमिट करेगी करेगी, बाहर फेंकेगी फेंकेगी, तो वो कितनी एनर्जी बाहर फेंकेगी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको एमिसिव पावर बोलते हैं। इसका सिंबल है छोटाई। तो एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर के डेफिनेशनों में फर्क है। एब्जॉर्प्टिव पावर इज एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते, लेकिन एमिसिव पावर इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट क्या होंगे? जूल, मीटर स्क्वायर, सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन याद हो गई। इसका सिंबल क्या है? छोटा ई, छोटा ई। तो स्मॉल ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, स्मॉल ई एमिसिव पावर इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यही लिखा हुआ है इसमें कि एमिसिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बात खत्म। वो ये सेम चीज है। अब क्योंकि बहुत सारी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग कलर्स की बॉडीज भी एग्जिस्ट करती हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है, वो अलग है। ब्लैक बॉडी सबसे अलग है, तो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है ब्लैक बॉडी को। ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को के सिंबल को चेंज किया कैपिटल ई। स्मॉल ई एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी, कैपिटल ई एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन सेम है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अब दूर से समझ में आएगा आपको, जो आप पेपर में देखेंगे स्मॉल ई है या कैपिटल ई है। अगर कैपिटल ई है यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अगर स्मॉल ई है इसका मतलब ब्लैक बॉडी नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं, स्मॉल ए भी और स्मॉल ई भी, और स्मॉल ई को कैपिटल ई भी लिख सकते हैं अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। दो डेफिनेशंस, ठीक। ये करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है डेफिनेशन एमिसिविटी। एमिसिविटी का ये सिंबल है एप्सिलॉन, ये ऐसा सिंबल है छोटा ई। एमिसिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी डिवाइडेड बाई एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये रेशियो है, किसी भी बॉडी को कंपेयर किया जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ। तो एमिसिव पावर किसी भी बॉडी की, एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी को डिवाइड करोगे तो आपके पास एमिसिविटी आ जाएगी। अब कुल मिलाकर आपके पास तीन डेफिनेशंस हैं, स्मॉल ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, स्मॉल ई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, कैपिटल ई फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और एमिसिविटी स्मॉल ई बाय कैपिटल ई। तीन डेफिनेशंस क्लियर हैं ये, ठीक हो गया यहां तक? इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि एमिसिविटी का वो भी एमिसिव पावर, ये भी एमिसिव पावर, फर्क कोई पड़ता नहीं, तो ये फ्रैक्शन में ही आने वाली है, ठीक। तो ब्लैक बॉडी मैंने बता दी, जो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है और कुछ नहीं करती, इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी एक साइंटिस्ट फेरी ने बनाने की कोशिश की थी, वो परफेक्टली बनती नहीं है, पर इसने एक्सपेरिमेंट किया लैब में, उसने एक लैम्प ब्लैक कोटिंग कर दी अंदर से इस एक स्फेयर की, हल्की सी बहुत छोटी सी ओपनिंग की, रेडिएशन को अंदर फेंक दिया, रेडिएशन अंदर गई, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, अंदर एब्जॉर्ब ही होती जा रही हैं, सारी की सारी रेडिएशन अंदर ही अंदर है, पर सारी क्योंकि ओपनिंग तो है ही, तो कुछ तो बाहर निकलेगी। तो 99% तक सक्सेसफुल हो गया ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने के लिए, पर 100% तो बन नहीं सकती। तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो तीन डेफिनेशंस क्लियर हैं यहाँ तक, ठीक। तो इसके बेस पे अब लॉज हैं, तो लॉज को स्टार्ट करते हैं।